अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज आप सोच रहे हो स्टार्टिंग में कैसे आ गया, तो आज इंट्रो मैं शूट करूँगा। और आज हम हैदराबाद में किसी जगह पे जाएंगे, नया फूड आया है उसका नाम है पिज़्ज़ा पराठा, तो आज हम वो टेस्ट करेंगे, देखते कैसा। और आज हमारे साथ मौजूद है अब्दुल बारी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आपने बड़ी मुश्किल से लाइन याद करी है, तो इसको ध्यान मिलनी चाहिए इस चीज़ की। और अभी हम जाएंगे उस तरफ और वहाँ पर अरसलान और मुशतबा भी आ रहे हैं, उस तरफ चलते हैं, फिर बिना टाइम जाएगा सफर की चलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और पिज़्ज़ा पराठा पे, और मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ पीछे मुश्तबा भी मौजूद है और अंदर सलाम भी बैठा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं रेट वगैरह पूछने क्या है इनके सारे, तो फिर उसके बाद आपको और अपडेट करते हैं। पिज़्ज़ा पराठा आपने देख लिया होगा। अच्छा, अभी सिंध चरगा के नाम से ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको पिज़्ज़ा पराठा मिलेगा। और इसके रेट क्या है, 300 का एक पिज़्ज़ा पराठा है, ठीक है। और इसका फ्लेवर है टिक्का, है ना, चिकन टिक्का, चिकन टिक्का इसका फ्लेवर है।
तो अब टेस्ट करेंगे और देखते हैं फिर कैसा है इसका टेस्ट। तो चलें टेस्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं टूट पड़े हैं पराठा देख के। अच्छा मैंने तो टेस्ट ही नहीं करा अभी तक, तो चेक करते हैं ज़रा कैसा है ये। टेस्ट अच्छा है। अरसलान कैसा है टेस्ट? ज़बरदस्त है। अच्छा मैंने टेस्ट अभी तक किया नहीं, तो देखते हैं कैसा है। कैसा लगा आपको ये इसका टेस्ट? टेस्ट यार अच्छा था और मैं इसको 10 में से 9 मार्क्स दूँगा। और आप अरसलान भाई? टेस्ट काफ़ी बेहतर था, स्पाइस थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन ये कि 8.5। आप? 9, क्योंकि काफ़ी बेहतर था, काफ़ी अच्छा था। और अब आप इसकी दे तो ले बोल रहा है बेहतर था काफ़ी बेहतर था, काफ़ी अच्छा था, इसलिए 9 मार्क्स बेहतर है। बस मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं इसको 8 दूंगा 10 में से। तो भाई ये थी कुछ आज की वीडियो, और पिज़्ज़ा पराठा बहुत अच्छा है, रेट भी इसके सही है और टेस्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छा है। तो आप विज़िट करें सिंध चरगा पे, और यहाँ पे आपको बहुत से और भी जो आपको आइटम्स है वो मिल जाएंगे खाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।